हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना दाल और मूंगफली की चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई को गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे मूंगफली, और मूंगफली को हम भून लेंगे अच्छे से ताकि इसका छिलका आसानी से निकल जाए। तो मूंगफली को भून लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल इस तरह से भून लेना है। और सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चना दाल और कुछ कड़ी पत्ते, और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तब तक हमारा मूंगफली ठंडा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसका छिलका निकल रहा है। तो हम इसके अच्छे से छिलका निकाल लेंगे मूंगफली से। और यहाँ हमारा चना दाल भी अच्छे से भुन चुका है, उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है एकदम से। और इसमें हम चटपटा करने के लिए डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ, और मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप इसमें। तो हम डाल लेते हैं एक मिक्सी के जार में चना दाल, और ये लहसुन और मिर्च भी डाल देंगे इसमें, और मूंगफली भी डाल देंगे इसमें। और इसमें हम डालेंगे आधा गिलास के आसपास पानी, और इसे हम इस तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसमें अब तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए चाहिए हमें सूखी लाल मिर्च, कुछ कड़ी पत्ते और 1 चम्मच राई के दाने। तो हम एक फ्राई पैन गरम कर लेते हैं, उसमें डालेंगे हम तेल 2 बड़े चम्मच, और इसमें हम डाल देंगे सरसों के दाने। सरसों के दाने चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, और करी पत्ता हम लास्ट में डालेंगे। इसका हम तड़का लगा लेंगे, इससे चटनी का स्वाद बढ़ जाता है। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये चटनी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए।